देर से जाने वाली हो, बहुत देर से हमारी बात बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। झा साहब एक घंटा हो, अमरजीत कौर जी आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। झा साहब, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हमको एक ऐसे प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए या उनको कर्सी एक्सटेंड करनी चाहिए जो 6 दिन बाद जाने वाले हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि ये एक दुर्घटनावश प्रधानमंत्री बने हैं, अगर गिलानी साहब के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होता, और ये भी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वारंट जारी कर चुका है। तो इन हालात के बीच और जनवरी की 8 जनवरी की उस घटना के बाद जहां 2 सैनिकों का सर कलम कर दिया गया था, उसके बीच जियारत में उनको एक अच्छा लंच खिलाना रामबाग पैलेस में, क्या भारत सरकार का सही कूटनीतिक कदम है? आपको बोलना है झा साहब, एनएन झा जी, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। एनके सिंह सर बैठे हुए हैं, सर आप एग्री करते हैं कर्नल यूएस राठौर साहब की बात से? नहीं, कई बार मुझे लगता है कि राठौर साहब के लॉजिक में बिल्कुल करेक्ट है, उनकी भावनाएं को हम पूरी तरह तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि जो ड्राइंग रूम आउटरेज है ना, इससे हम अपनी बेसिक लॉजिक खो देते हैं। कैसे एक मॉडर्न स्टेट कैसे डील करता है ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की, और आप जब ये कहते हैं कि नहीं तोड़ दो फाड़ दो हमला कर दो, तो मुझे लगता है कि लॉजिकली ये करेक्ट नहीं होता। जनभावनाएं हो सकती हैं, बिल्कुल सही है कि कई वॉर उन्होंने लड़े हैं जो कि हमारे ऊपर थोपे गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता लिहाजा हम उनको अब की बार पटक दें। ये भावना जो होती है ये मेरे ख्याल से बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होती है और बहुत रेशनल नहीं होती है। जरूरत इस बात की है कि जनभावनाएं इन टेक्निकल सब्जेक्ट पे नहीं देखी जाती है। जनभावनाएं आप बहुत तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जब एक कंट्री से वॉर की सिचुएशन में आने की बात हो तब ये जनभावनाओं पर नहीं चलता, हार्श रियलिटी देखनी पड़ती है। एक ऐसा स्टेट जो हमारे बगल में है, नालायक है, रोग स्टेट है, जिसका अपना स्टेट का कैरेक्टर ही नहीं है, क्रॉस पर्पजेज वहां के इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, मिलिट्री एक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल क्लास एक इंस्टीट्यूशन है, फंडामेंटलिस्ट तीसरे इंस्टीट्यूशन है, और ISI फोर्थ इंस्टीट्यूशन है जो मिलिट्री के अंडर में है लेकिन फिर भी बेलगाम है। तो ऐसे काउंटर करते हुए एक दूसरे को, जो इंस्टीट्यूशन जिस देश में हो उसमें आपका ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे लड़ाई ही कर दें, आपके पास और चारे हैं। जो देश खत्म हो रहा है, जिसका इस समय 30% GDP का फॉरेन डेट है, ऐसी कंट्री को मारने के लिए आपको बहुत ज्यादा बम लगाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसको आप हर तरह से मार सकते हैं, और ऑलरेडी वो खत्म हो रहा है। आप देखें फाटा रीजन में जिस तरह चीजें हो रही हैं, वहां पे सुसाइड बम एक कुटीर उद्योग हो गए हैं, और पाकिस्तान में हर तीसरे दिन एक सुसाइड अटैक हो रहा है, और हर रोज 10 आदमी से मार सकते हैं, और ऑलरेडी वो खत्म हो रहा है। आप देखें फाटा रीजन में जिस तरह चीजें हो रही हैं, वहां पे सुसाइड बॉम्ब एक कुटीर उद्योग हो गए हैं, और पाकिस्तान में हर तीसरे दिन एक सुसाइड अटैक हो रहा है, और हर रोज 10 आदमी पाकिस्तान में मरते हैं। एक ऐसे देश को मारने के लिए हमें वॉर की जरूरत, और आज के देश में हम वॉर की बात आज के जमाने में नहीं करते। हमारा ग्रोइंग इकोनॉमी है, और एक ऐसी कंट्री से जो रोग स्टेट है जिसके पास 110 न्यूक्लियर आर्सेनल है, और आप ताज्जुब करेंगे कि 2 जो हमले वहां पे फिदाइन ने किए उसमें एक जो किया था कराची में वो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के बगल में किया था, और 4 आतंकवादियों को 18 घंटे वहां के लोग रोक नहीं पाए, वहां के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब मिलिट्री के लोग इन्वॉल्व थे। तो एक ऐसे स्टेट से जो पागल क्या कैरेक्टर का है, उससे लड़ने के लिए हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसको हम दूसरे तरीके से मार सकते हैं जो कि आज के सभी समाज में ज्यादा बेहतर माना जाता है, डिप्लोमेटिकली खत्म करना, फाइनेंशियली खत्म करना, और बाकी जो आप जानते हैं बैक चैनल से जो चीजें होती हैं हम वो कर सकते हैं। आज हमारे अमेरिका हमारे साथ है, तो मेरे ख्याल से जो ड्राइंग रूम आउटरेज है, तोड़ दो फाड़ दो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1 सर के बदले 10 सर लेंगे, ये लैंग्वेज जो हम बोलते हैं कहीं नेशनल इमैच्योरिटी नजर आती है।